एमसीबी जिले के चिरमिरी क्षेत्र में कई जगह दीवारों पर विधायक और महापौर के बारे में कई प्रकार की बातें लिखी गई हैं। इन्हें आपत्तिजनक माना गया है और आनन फानन में मिटाने का काम किया गया। यह काम किसने किया है यह अब तक पता नहीं चल सका है। कांग्रेस विधायक ने भाजपा पर आरोप लगाया है और कहा है कि भाजपा ने आरोपों को खारिज किया है। एमसीबी जिले के नगर निगम क्षेत्र चिरमिरी में कई जगह महेंद्रगढ़ विधायक और चिरमिरी महापौर को लेकर कई तरह की बातें रात के अंधेरे में लिख दी गई। हालांकि यह सांकेतिक अंदाज में लिखा गया है, लेकिन आसानी से समझा जा सकता है कि चीजें किसके बारे में है। सुबह जानकारी होने पर कांग्रेस कार्यकर्ता इस पर नाराज हुए और आनन फानन में इस तरह की बातों को मिटाने का काम शुरू किया गया। युवा कांग्रेस के महासचिव राहुल पटेल ने बताया कि राजनीति अपनी जगह पर होनी चाहिए, लेकिन कम से कम किसी को भी ऐसा काम करने से बचना चाहिए। चुनावी सरगर्मियां बढ़ती रहेंगी, लेकिन मान सम्मान और सबका एक पद की गरिमा है, उस गरिमा को बनाए रखना चाहिए। इस असामाजिक तत्व के लिए हम पुलिस थाने में भी शिकायत दर्ज कराएंगे और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई और अपराधी बहुत जल्द पकड़ा जाए, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। जबकि विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल ने इसे लेकर सीधे भाजपा पर निशाना साधा। उनका कहना है कि क्षेत्र में विकास कार्य भली भांति हो रहे हैं और इन कारणों से भाजपा नेताओं का परेशान होना स्वाभाविक है। दो पहलवान लड़ते हैं और एक पहलवान बहुत ज्यादा भारी हो जाता है, तो खींच के जो दूसरा पहलवान होता है वो कहीं कान को काटता है, कहीं उसके कंधे को काटता है। तो ये कान और कंधा काटने वाला काम जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जो सम्माननीय जो नेता है वो कर रहे हैं। पूरे मनेन्द्रगढ़ विधानसभा के जो विकास के काम है उससे एक आंतरिक बौखलाहट जो है वो चरम सीमा में है, और निश्चित रूप से एक महिला महापौर को इतने भद्दे शब्दों का प्रयोग इनके नेता करते हैं, इनके कार्यकर्ता वॉल राइटिंग में करते हैं, इससे ज़्यादा निंदनीय और शब्दों की गरिमा का गिरावट नहीं हो सकता। वहीं नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष असंतोष सिंह ने विधायक और कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना है कि जो बातें लिखी गई हैं उस मामले में किसकी भूमिका है यह स्पष्ट नहीं है। ऐसे में बिना सोचे समझे किसी का भी नाम आखिर कैसे कोई ले सकता है, फिर भी किसी को ऐसा काम नहीं करना चाहिए। आप लोगों के माध्यम से मुझे भी अभी जानकारी हुआ है और सोशल मीडिया के माध्यम से भी देख रहा हूँ। माननीय विधायक जी का यह आरोप लगाना गलत है बिना साक्ष्य प्रमाण का। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, संस्कारवान पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ऐसी कृत कभी नहीं कर सकती। मैं यही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर या कार्यकर्ताओं के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगाना गलत है। पहले उसके तथ्यों की जाँच कर लें, यदि हमारे उस तथ्यों की जाँच पर यदि निर्दोष होता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। मनेन्द्रगढ़ क्षेत्र में पहले भी इस प्रकार के मामले सामने आ चुके हैं और इसे लेकर राजनीतिक बयानबाजी होती रही है। देखना होगा कि विधानसभा चुनाव के करीब आने तक इस इलाके में और क्या क्या होता है। एशिया न्यूज के लिए चिरमिरी से मनोज श्रीवास्तव की रिपोर्ट।